अगरतला सियालदा आसुला कांचनजंगा एक्सप्रेस समय सका नौटा हे खुशी मनाई लोके घर को फेर न्यू जलपाईगुड़ी निकटे हठात शुभिता विकटाल शब्द पक्षर आसी धक्का एक मालवाही ट्रेन ओलटी पड़ा कांचनजंगा एक्सप्रेस दुईट बगी कांद रड़ी में फाटी पड़ा पूरा परिवेश घटनास्थल चित्र छाती को दोहल झुली रही यात्रीवाही ट्रेन पार्सल भ्यान तले मालवाही गाड़ी इंजन मालवाही गाड़ी लोको पायलट सहित कांचनजंगा एक्सप्रेस गार्ड मृत्यु घटी दुर्घटन अनेक यात्री मृत्यु घटी 40 रु अधिक यात्री गुरुतर आहत होती मतलब बैठे थे भी हमको लग रहा है आधा घंटा हुआ होगा 8:30-9 करीब हो रहा था तो मतलब झटका लगा है बहुत ही तेज से आवाज ऐसे आई है डर गए बच्चे थे बच्चों को पकड़ लिया हम लोगों ने 2-3 झटके ऐसे आए हैं मुझे लग रहा है कि अब रेलवे वाले कुछ गड़बड़ी है सिग्नल नहीं मिला और पीछे से मालगाड़ी का आना अब ये हम कैसे बताएं ये तो रेलवे वाली गड़बड़ी हो सकती है ना तो उन्होंने सिग्नल सही नहीं दिया एक ट्रेन जा रही है पैसेंजर वाली और ऊपर से मालगाड़ी उसी ट्रैक पे आ गई कैसे आ गई बहुत डर लगा कि ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया तो हमें लगा मतलब ट्रेन अचानक से रुक गया तो हम सब लोग उतर गए तो हमने देखा कि ऐसा हालत हो गया तो नहीं स्लो जा रहा था तो पीछे से एक आया तो ऐसे धक्का मार दिया तो ऐसे हिला बहुत फिर रुक गया सूचना पाई घटनास्थल रे पहुंचले केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव रेल विभाग वरिष्ठ अधिकारी सहित एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम पहुंची पुलिस फायर टीम सहित रेस्क्यू लागि पड़ते स्थानीय लोके लोकों उद्धार कर मेडिकल भर्ती करते ग्यास कटर में काटी अनेक यात्री को बगी उद्धार कर उद्धार कार्य प्राय संपन्न हो क्षतिग्रस्त बगी को बाद दे कांचनजंगा ट्रेन सियालदा अभिमुखे यात्रा कर दुर्घटना परे 19 ट्रेन रो गतिपथ परिवर्तन करा गया छि मृतकों निकट संपर्कियों को 10 लाख लेखाएं अनुकंपामूलक सहायता सहित गुरुतर आहतों को 2.5 लाख एवं सामान्य आहतों को 50,000 टंका लेखाएं सहायता प्रदान करने को रेलवे घोषणा कर ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है कंप्लीट फोकस है जैसा आपने आप स्वयं जानते भी हैं मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं सबटा ट्रेन दुर्घटना रे सामना को आसी संघातिक सत मानवीय त्रुटि रु घटी दुर्घटना खुद रेल विभाग अधिकारी एही बयान देछंती लोको पायलट को फुल जोगु घटी ए भयंकर दुर्घटना नो सिग्नल सत्वे आगो को माड़ी आसीथिला मालवाही ट्रेन स्टेशन रे अटकीथिबा यात्रीवाही ट्रेन को पछरु धक्का देथिला मालवाही ट्रेन लोको पायलट नो सिग्नल रो संपूर्ण अनदेखा करथिले घटना रे सांघातिक अवहेला को नै केन्द्र रेलमंत्री को इस्तफा दाबी करिछि कांग्रेस केन्द्र सरकार को कड़ा समालोचना करिछन्ति विरोधी रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में न्यू जलपाईगुड़ी में है वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं वो भी आ गए थे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और एनडीआरएफ आर्मी एवरीबडी सब कोई वहां पर पहुंच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए रेल में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं पिछले 10 साल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1,117 एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है ये नंबर कहीं ज्यादा है मतलब हर महीने 11 एक्सीडेंट हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कौन जवाबदेही देगा मंत्री जी जो है रेल के वो रील बनाने में व्यस्त है मोदी सरकार की नजर में देश के आम जनता के जीवन की कीमत कुछ भी नहीं है जो रेल विभाग के ऊपर लगातार सवाल उठते रहे अनेक रेल हादसे हुए किसी ने कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया किसी ने महत्वपूर्ण पद से रिजाइन नहीं किया किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली क्या देश के प्रधानमंत्री का काम केवल हरी झंडी दिखाना रह गया है क्या देश के रेल मंत्री का काम केवल प्रधानमंत्री की भक्ति करना रह गया है किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए घटना को नहीं दुख प्रकाश कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटना को नहीं दुख प्रकाश कर।